हेलो फ्रेंड्स, पीएस के किचन में आप सबका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ गोभी के पकौड़े, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगता है और इसे आप इवनिंग में स्नैक के रूप में आप इसे खा सकते हैं और चाय के साथ खाने का मज़ा ही कुछ और है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा गोभी लिया था और इसको अच्छे से कट करके वॉश करके मैंने यहाँ पर ले लिया है। यहाँ पर एक कप बड़ा मैंने बेसन लिया है और यहाँ पर 2 टेबल स्पून मैंने लिया हुआ है सूजी, और यहाँ पर मैंने लिया हुआ है 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टेबल स्पून अजवाइन, 1/2 टेबल स्पून यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर लिया है, 1/2 टेबल स्पून यहाँ पे चाट मसाला लिया है, 1/2 टेबल स्पून यहाँ ज़ीरा पाउडर, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गोभी को हम बॉयल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने रख दिया था भगोना, यहाँ पर पानी डाल के ये गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा सॉल्ट डाल देंगे और ये जो गोभी है इसके अंदर हम डाल देंगे। और गोभी को हम 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे इसी तरह से छोड़ देंगे। इससे क्या होगा कि गोभी के अंदर कोई गंदगी होगी या कीड़ा कुछ ऐसा होगा तो वो निकल जाएगा और हल्का सा गोभी भी हमारा सॉफ्ट हो जाएगा। तो जब तक गोभी हमारा बनता है, यहाँ पे सॉफ्ट हो रहा है मैंने, तब तक के लिए हम घोल रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक बाउल मैंने बड़ा लिया है, इसके अंदर हम डाल देंगे बेसन। उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे सूजी। सूजी इसलिए मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ ताकि जो हमारे पकौड़े हैं वो काफ़ी क्रिस्पी बने और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। उसके बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर। उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे नमक और इसको अच्छे से मिला देंगे। तो ये मिक्स कर दिया। अब इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी हम डाल के इसका एक अच्छा सा हम बैटर रेडी कर लेते हैं। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसको मिक्स करेंगे इस तरह से। तो इसको देखिए अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है, इसका कुछ इस तरह से बैटर रेडी हो गया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे अजवाइन और अजवाइन डालने के बाद इसको मिक्स कर देंगे और इसको साइड में रख देंगे। मिक्स करने के बाद इसको साइड में रख देंगे। तो यहाँ पे 10 मिनट हो भी चुका है और गोभी भी अच्छे से हो गया है। अब इसके अंदर हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको हम छान लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक छन्नी इस तरह से ले लिया है और उसके बाद में ये जो है गोभी पानी के अंदर जो मैंने डाल के रखा था इस तरह से डाल लेंगे और इसको 5 मिनट के लिए ऐसे छोड़ देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए और इसका जो एक्सेस वाटर है वो अच्छे से छन जाए। तो यहाँ पे देखिए मैंने छन्नी से गोभी को बाहर निकाल लिया, ये ठंडा हो गया, पानी अच्छे से निकल गया इसका और यहाँ पे घोल भी हमारा रेडी है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दिया था ऑयल डाल के और ये गर्म हो चुका है, तो अब हम बनाना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से गोभी लेके और इसके अंदर हम इस तरह से डिप करेंगे, ये देखिए। उसके बाद ऑयल में हम डाल देंगे। जब ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद फ्लेम को हम मीडियम रख देंगे। इसी तरह से हम डाल देते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने डाल दिया है। अब जब वन साइड ये हो जाएगा फिर इसको हम पलट देंगे, ये देखिए इसको हम पलट देते हैं। एक साइड का हो गया है, ये देखिए। पकौड़ों को मैंने पलट दिया था और ये दोनों साइड हो गया है, आप देख सकते हैं। अब इसको हम बाहर निकाल लेंगे, इस तरह से हम इसको बाहर निकाल लेंगे, ये देखिए सारे पकौड़ों को हम निकाल लेते हैं। तो
ये देखिए क्रिस्पी सा पकौड़ा हमारा बन चुका है। जो बचे हुए बाकी हैं उसको भी सेम प्रोसेस से हम बना लेंगे। तो यहाँ पे पकौड़ों को मैंने सर्व कर लिया है, इसे मैंने ग्रीन चटनी के साथ सर्व किया है। आप इसे टमाटो सॉस के साथ भी आप खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगता है। और सर्दियों के मौसम में चाय के साथ गर्मा गर्म पकौड़े खाने का मज़ा ही कुछ है। तो ये रेसिपी मेरी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करें। और कमेंट करके बताएं मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।